Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. डोनाल्ड ट्रंप पर सरेआम जब गोली चली तो पूरी दुनिया ये जानकर और देखकर हैरान थी कि ट्रंप को निशाना बनाया तो बनाया किसने। अमेरिका की धरती पर पूर्व राष्ट्रपति पर गोली चलना वाकई ही हैरान कर देने वाला था। लेकिन जब भी आतंकवाद का जिक्र होता है, कैसे पाकिस्तान का नाम पीछे रह सकता था, पाकिस्तान का लिंक यहाँ भी आ गया। डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी नागरिक था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई कद्दावर नेताओं की हत्या की साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। कहा जा रहा है कि अमेरिका में हाई प्रोफाइल किलिंग को अंजाम देने की स्क्रिप्ट ईरान में लिखी जा रही है। इसके लिए पाकिस्तान के एक शख्स को हायर किया गया था। अमेरिका की तरफ से जारी की गई इस रिपोर्ट में कई खुलासे हुए। अमेरिकी न्याय विभाग ने इन हाई प्रोफाइल हत्याओं की साजिश रचने के मामले में पाकिस्तान के 46 साल के शख्स आसिफ मर्चेंट को गिरफ्तार किया है। इन हत्याओं को लेकर FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर ने साफ बताया कि ईरान की साजिश का सीधा सीधा लिंक जांच के दौरान पाया गया है। ईरान में ये स्क्रिप्ट लिखी जाती है और इसके एग्जीक्यूशन का जिम्मा पाकिस्तान के नागरिक को दी जाती थी। न्याय विभाग के मुताबिक मर्चेंट एक खास मकसद से पाकिस्तान से अमेरिका लाया गया था, लेकिन अमेरिका पहुंचने से पहले ही उसने कुछ समय ईरान में बिताया। इसके बाद वो न्यूयॉर्क गया। उसने इन हाई प्रोफाइल हत्याओं की सुपारी देने के लिए एक शख्स से मिलना सही समझा। आसिफ ने इसके लिए दो सुपारी किलर्स को $5,000 की पेमेंट भी की थी। आसिफ सुपारी देकर टारगेट को मरवाता था, वो खुद जाकर इन हमलों को अंजाम नहीं देता था। रिपोर्ट्स में तो इस बात का भी जिक्र हुआ कि आसिफ ने अमेरिका से रवाना होने की कोशिश भी की, लेकिन इसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरी रिपोर्ट में ट्रंप का नाम नहीं था। सूत्रों के मुताबिक न्याय विभाग ने आसिफ पर आरोप लगाते समय ट्रंप के नाम का उल्लेख नहीं किया, लेकिन जिन लोगों को निशाना बनाए जाने की बात की उनमें ट्रंप शामिल थे। बता दें, अमेरिकी प्रशासन को जैसे ही ट्रंप की हत्या की ईरानी साजिश का पता चला, उन्होंने जांच शुरू कर दी। FBI खंगालती रही और खंगालते खंगालते लिंक पाकिस्तान तक पहुंचा। इस चेहरे को कथित किलर बताया जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि यही वो किलर है जो सुपारी देकर हाई प्रोफाइल चेहरों को अमेरिका में मारने के इरादे से पहुंचा था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पर जिसने हमला किया वो 20 साल का थॉमस मैथ्यू था। थॉमस पेंसिल्वेनिया का ही रहने वाला था जहां पर ट्रंप पर गोली चली। उसने सेमी ऑटोमेटिक AR-15 राइफल का इस्तेमाल किया, जिसके बाद जांच एजेंसियां और सुरक्षा विभाग सवालों के घेरे में आ गई और फिर एक्टिव हो गई FBI, जिसने इस पूरे हत्याकांड को लेकर कई खुलासे किए, लेकिन नाम लेकर नहीं, हाई प्रोफाइल चेहरों के आधार पर। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।